क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। गूगल आज चिपको आंदोलन की 45वीं सालगिरह गूगल डूडल के जरिए मना रहा है। 1970 के दशक में इस आंदोलन का आगाज हुआ, जो अहिंसावादी तरीके से परवान चढ़ा। शांति से पेड़ों को बच्चे की तरह लोगों ने गले लगाकर उन्हें नहीं काटने का आंदोलन चलाया। 70 के दशक में पूरे भारत में जंगलों की कटाई के विरोध में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, जो पूरी दुनिया में चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। लोग पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक जाते थे और ठेकेदारों को उन्हें नहीं काटने देते थे। उनकी मांग थी कि भले ही उन्हें गोली मार दी जाए, लेकिन वो पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ों को नहीं कटने देंगे। 1974 में शुरू हुए विश्वविख्यात चिपको आंदोलन के रियल हीरो पांचवी पास गौरी देवी थी। चमोली के आदिवासी परिवार में पैदा हुई गौरी देवी चिपको वुमन फ्रॉम इंडिया के नाम से मशहूर हैं। गौरी देवी गांव की 21 महिलाओं को इकट्ठा कर जंगल पहुंच गई थी। इस आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1973 में ऊपरी अलकनंदा घाटी के मंडल गाँव से हुई थी, जो की धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश और हिमालय में फैल गया था। अल्मोड़ा, नैनीताल और दूसरे स्थानों पर आंदोलनकारियों ने जंगलों की नीलामी को रुकवाया। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन का बड़ा नाम बनकर उभरे। बाद में इस आंदोलन से कई और लोग जुड़ते चले गए, जिनमें की चंडी प्रसाद भट्ट ने भी अहम योगदान दिया। सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी में चिपको आंदोलन की शुरुआत की। साल 1981 से लेकर 1983 तक उन्होंने 5000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और हिमालय के गाँव में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। कुमाऊं और गढ़वाल के छोटे छोटे गांवों में भी इसी तर्ज पर हुए आंदोलन पहाड़ में पर्यावरण को बचाते रहे। एक बार फिर उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड के नाम पर 41,000 के करीब पेड़ों को काटा जाना है, जिनमें से लगभग 25,000 से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। आज गूगल ने उन दिनों की याद दिला दी है, जब पूरे विश्व में एक आंदोलन ने उत्तराखंड की महिलाओं की शक्ति और जंगलों को लेकर उनका प्यार सामने रख जंगल के हरे भरे पेड़ों को कटने से बचाया था। पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट विकास के नाम पर पर्यावरण के विनाश को इन शब्दों में बयां करते हैं। अभी वन एवं पर्यावरण संवर्धन शिविरों के माध्यम से, जिसमें युवाएं और मुख्य रूप से महिलाएं और छात्र भी भाग लेते हैं, और दसौली ग्राम सभा के मंडल के कार्यकर्ता भी, और कई इलाकों में जो नंगे वृक्ष भी इलाके थे वहाँ हरियाली आ गई है। और उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी पॉलिसी में उस समय जो परिवर्तन करना पड़ा, वो आज तक भी पूरे उत्तराखंड में जारी है। इस आंदोलन के बड़े नाम सुंदरलाल बहुगुणा को साल 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, लेकिन असल चिपको आंदोलन का इतिहास और पुराना है। इससे पहले 18वीं सदी में राजस्थान के बिश्नोई समाज के लोगों ने पेड़ों को गले लगाकर अवनीकरण का विरोध किया था। जब जोधपुर के महाराजा ने पेड़ों को काटने का फैसला सुनाया, तो बिश्नोई समाज की महिलाएं पेड़ से चिपक गई थी और पेड़ों को काटने नहीं दिया था। केहरी समूह के पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में 84 गांव के 383 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। साल 1987 में इस आंदोलन को राइट लाइवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ योगेश सेमवाल, APN देहरादून।